जय हिंद एवरीबडी वेलकम टू बायोलॉजी क्लास एज यू ऑलरेडी नो वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर लाइफ प्रोसेस सो अंडर दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ लाइफ सो इन द लास्ट लेक्चर वी वी टुक transportation system so this transportation system uh, is consists of two types of system it includes two types of system the, the one is circulatory system and lymphatic system so these two systems they help in the transfer of fluids from one place to another so that is what transportation means ठीक है सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द ऑर्गन्स एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द लिम्फैटिक सिस्टम सो वॉट हैपन्स अलॉन्ग विद सर्कुलेटरी सिस्टम दिस लिम्फैटिक सिस्टम ऑल्सो रन साइड बाय साइड नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट वॉट इज लिम्फैटिक सिस्टम लिम्फैटिक सिस्टम होता क्या है so a, a lymphatic system it is a system of tiny tubes okay and these tubes are known as lymph vessel and then it has lymph nodes or it is also known as lymph glands which are present in the human body and they transport the liquid called lymph from the body tissue to the blood circulatory system so such system is known as lymphatic system so lymphatic system में बहुत सारे देर आर मैनी इट कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स लिम्फेटिक सिस्टम दैट इज़ लिम्फ कैपिलरीज यू कैन सी लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोट्स और दे आर ऑल्सो नोन एज लिम्फ ग्लैंड एंड लास्टली इज लिम्फ ये चारों मिल के बनाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम का भी काम है जो भी लिक्विड है द लिक्विड दैट इज़ लिम्फ उसको ट्रांसपोर्ट करना बॉडी टिश्यू से बॉडी टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको ट्रांसपोर्ट करना सॉरी नाउ वील बी डिस्कसिंग वन बाय वन कि ये होता क्या है वॉट ऑल दीज पार्ट्स नाउ फर्स्ट इज लिम्फ एज यू ऑल नो लिम्फ दिस लिम्फ इज वेरी मच सिमिलर टू द इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द ब्लड बट द डिफरेंस इज दैट इट डज नॉट कंटेन uh it it is it does not contain any rbc's this is the difference between lymph and blood because these two are the fluid which are present in our body and they are responsible for the transportation of many substances so blood you already know we uh, we have already discussed about the blood which is a red colored fluid so lymph is a yellow color you can say it is a yellow color liquid and it is सम वॉट सिमिलर टू ब्लड समर टू ब्लड प्लाज्मा बट द डिफरेंस इज दैट द आर बी सीज आर एबसेंट ओके एंड नाउ हाउ दिस फ्लूड इज फॉर्म्ड ये लिम्फ बनता कैसे है द लिम्फ इट एस्केप फ्राम ब्लड कैपिलरीज इन द इंटर सेलुलर स्पेसिस नाउ क्या होता है टिश्यूज़ होते हैं टिश्यूज़ के बीच में स्पेसेस होती हैं नाउ एज यू ऑल नो ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो पूरी बॉडी में रन करती हैं तो जब इनमें ब्लड फ्लो करता है दैट ब्लड फ़्लो अंडर वेरी हाई प्रेशर तो कभी कभी इनसे क्या होता है लिक्विड जो है कुछ कुछ लिक्विड ऊज करने लगता है बाहर निकलने लगता है इन कैपिलरीज से ड्यू टू हाई प्रेशर और ये फ्लूड जो है जो भी टिश्यूज़ के बीच में स्पेसेस होती हैं ऑर्गन्स के बीच में स्पेसेस होती हैं वहाँ पे ये फ्लुइड भर जाता है दैट इज इंटरसेलर जो इंटरसेलर स्पेसिस होती हैं वहाँ ये फ्लूड कलेक्ट होता हो जाता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ ओके एंड दिस लिम्फ कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड इसमें प्रोटीन भी जो है बहुत कम होता है एज कंपेयर टू ब्लड ओके नाओ दिस नाउ इट कंटेन्स जर्म्स फ्राम द सेल्स एंड फ्रेगनेंट्स ऑफ द डेड सेल अब इसमें क्या होता है वॉट इज द मेन फंक्शन हमें यह पढ़ना इसका क्या फंक्शन है और यह किस तरह हेल्प करता है ना ये जो फ्लूड होता है इसमें जो है जो भी हमारे डेड सेल्स होते हैं एज यू ऑल नो की एवरी डे न्यू सेल्स आर फॉर्मिंग इन आर बॉडी नए सेल्स बनते रहते हैं पुराने सेल रिप्लेस होते रहते हैं अब ये पुराने सेल जाएंगे कहाँ ओके सो दिस फ्लूड इट कंटेन्स डेड सेल्स ऑल्सो फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल उसके कुछ पार्ट्स कुछ अंश फ्रेगमेंट्स मीन्स होता है एंड इट ऑल्सो कंटेन जर्म्स ऑल बैक्टीरिया जो भी जर्म्स होते हैं इट कंटेन्स एवरी थिंग ओके दिस वे इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ ऑल दिस थिंग्स ना इट ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम हमारी इम्यूनिटी को हमारी जो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता होती जिसको हम बोलते हैं डिजीज़ से लड़ने की उसको भी ये बढ़ाता है इम्यून सिस्टम को ओके नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग द लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यूज़ टू द हार्ट थ्रू लिम्फ वेसल नाउ ये लिम्फ कैसे फ्लो होता है जो भी टिश्यूज़ में ये इकट्ठा uh, ये जो कलेक्ट हो जाता है लिम्फ ये अगेन जो है uh, ये हमारे uh, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जाके ये फिर से ये मिक्स हो जाता है ओके एंड दिस लिम्फ जो है इट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है ओके दैट इज़ फ्रॉम ब्लड टिश्यूज़ टू हार्ट ये टिश्यूज से सिर्फ हार्ट की तरफ फ्लो करता है और ब्लड आपने देखा था वो जो है वो बाय डायरेक्शनल है वो हार्ट में हार्ट की तरफ भी ब्लड फ़्लो करता है और हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ भी जाता है ओके सिंस लिम्फ इज डिराइव फ्रॉम द टिश्यू फ्लूड विच रिमेंस आउटसाइड द सेल ऑफ़ द बॉडी सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेरोलर फ्लूड एज यू ऑल नो ये जो लिम्फ होता है ये जो जो है जो भी हमारे टिश्यूज जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के सेल्स के बाहर ये जो इंटरसेलर स्पेसिस होती हैं उसमें इकट्ठा हो जाता है इसीलिए इसको हम एक्स्ट्रा सैरुलर फ्लूड भी कहते हैं नाउ लिम्फ ऑल्सो कंटेन अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल लिम्फोसाइट्स विच हेल्प इन फाइटिंग विद इन्फेक्शन एंड डिजीज नाउ इट ऑल्सो कंटेन्स अ स्पेशल टाइप लिम्फोसाइट्स ठीक है लिम्फोसाइट्स डब्ल्यू वी सीज होते हैं एंड दे हेल्प इन इनको सोल्जर्स कहा जाता है हमारी बॉडी के बिकॉज दे हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज सो दिस इज अबाउट लिम्फ नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज़ लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं लिम्फ कैपिलरीज़ दे आर द टाइनी ट्यूब्स विच आर प्रेजेंट इन द होल बॉडी जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इन द सेम वे जो ये कैपिलरीज होती है, ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं ये भी हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं ओके कैपिल कैपिलरीज बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ कैपिलरीज एंड ब्लड कैपिलरीज किस तरह ये दोनों डिफरेंट हैं बिकॉज दे बोथ आर प्रेजेंट इन अ बॉडी ओके एंड दे बोथ कंटेन लिक्विड नाउ इनमें मेजर डिफरेंस है जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं दे आर क्लोज एंडेड ये जो है इनके एंड्स जो हैं क्लोज होते हैं दैट मीन्स कि जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं एट द एंड ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी इज़ क्लोज ठीक है uh, uh, जो लिम्फ कैपिलरीज जो हैं वो जो है द uh, उनके जो एंड्स होते हैं जो उनके आउटर जो उनका uh, बिल्कुल आउटर एंड होता है वो जो है क्लोज होता है ठीक है वो टिश्यू में जाके क्लोज हो जाता है ओके एंड द पोर्स इन द वॉल्स ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज आर बिगर इन साइज़ और जो इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फ कैपिलरीज में उनका भी साइज बड़ा होता है एज़ कंपेयर टू ब्लड कैपिलरीज सो एंड द एंड ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज इन द टिशूज बॉडी टिश्यूज आर क्लोज क्योंकि बॉडी वो बॉडी uh, टिश्यू से ही फ्लूड uh, uh, वहीं पे जाके कलेक्ट होता है इसलिए ये सिर्फ इनका एक ही एंड ओपन होता है और इसीलिए इनमें एक डायरेक्शन में ही फ्लो uh, भी होता है ओके नाउ द पोर्स इन द वॉल ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज दे आर सम वॉट बिगर बिगर बड़े होते हैं इसीलिए मैंने बताया था लिम्फ में प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी बड़े बड़े प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लड क्योंकि जो लिम्फ कैपिलरीज uh, होती हैं उनके पोर्स जो हैं बड़े होते हैं ओके सो एंड दीज लिम्फ कैपिलरीज ये लिम्फ कैपिलरीज ही हैं जो ज्वाइन करके दीज दे जॉइन सॉरी हाँ जी जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं यही जॉइन करके बनाती हैं लिम्फ वेसल्स दैट इज़ योर द नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम ये लिम्फ वेसल्स बनाती हैं दीज लिम्फ कैपिलरीज दे जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स ओके नाउ, दे आर कनेक्टेड टू लार्ज वेन ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और फाइनली ये हमारी वेन से कनेक्टेड होती हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्योंकि जो भी फ्लूड इकट्ठा होता है ठीक है इंटरसेलर स्पेसिस में वो कलेक्ट करती हैं लिम्फ वेसल्स और उनको जो है ह, आ, हमारे ब्लड में फिर से रिलीज कर देती हैं ठीक है और दैट्स वाई दे आर कनेक्टेड टू द वेन्स वेन्स वेन से ये वेसल्स जो हैं कनेक्टेड रहती हैं और जो भी फ्लूड इंटरसेलर स्पेसिस पे कलेक्ट हुआ वो जाके फिर से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम वेन्स में जाके इकट्ठा हो जाता है ओके नाउ दीज लिम्फ वेसल्स दे हैव लिम्फ नोट्स इनमें जो है बीच बीच में नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं गाठे प्रेजेंट होती हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फ नोड्स ओके दीज आर नोन एज लिम्फ नोड्स एंड दीज लिम्फ नोड्स दे कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ सेल ये जो लिम्फ नोड्स होती हैं इनमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स दीज आर द लिम्फोसाइट्स ठीक है जो कि जो कि फैगोसाइटिस फैगोसाइटिक होते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से ओके सो दीज लिम्फोसाइट्स दे इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग ऑफ लिम्फ ये लिम्फ में जो भी वेस्ट जो भी बैक्टीरिया होता है वो उसको क्लीन करते हैं और हमारी बॉडी को डिजीज से भी प्रोटेक्ट करते हैं क्लीनिंग के बाद ये जो लिम्फ होता है ये फिर से जाके सर्कुलेटरी सिस्टम में मिल जाता है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो है ब्लड में जो भी गंदगी होती है वो लिम्फ के फॉर्म में आ जाती है इंटर स्पेसेस में और वहाँ पे लिम्फोसाइट्स इसको क्लीन करते हैं और फिर से वो उसको रीसेंड कर देते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ओके सो so,

जो कि कैपिलरीज जो हैं ये कैपिलरीज हैं ये ज्वाइन करके और बड़ी थिक वैसल्स बना लेते हैं थिन कैपिलरीज ज्वाइन करके आप देख रहे हो ये पूरी बॉडी में रन कर रहा है लिम्फेटिक सिस्टम लाइक आर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे रन करता है उसी के साथ साथ ये भी रन करता है सो दीज आर लिम्फ कैपिलरीज दे जॉइन टू फॉर्म लिम्फ वेसल्स ओके और ये जो है आ, पॉइंट्स वेयर लिम्फ इज पासड इन टू ब्लड सर्कुलेशन ये पॉइंट्स दिए हुए हैं जहाँ पे लिम्फ जो है पास होता है ब्लड सर्कुलेशन में ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम हाउ इट इज़ प्रेजेंट इन आर बॉडी नाउ नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट योर लिम्फेटिक सिस्टम ओके सो होप यू हैव अंडरस्टूड द लिम्फेटिक सिस्टम दिस इज़ ऑल फॉर टूडे थैंक यू